नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंडोरी चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हम पिछले दो महीने से आपको एक एक गांव से शहरों से आपको अवगत करा रहे हैं हर प्रकार की न्यूज, चाहे वो समाज सेवा की है या किसी राजनीतिक पार्टी की है या किसी सरपंचों के द्वारा विकास कार्य की है। आज हम पहुंचे हैं पटौदी में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाई राफेल जावेद जी। राफेल जावेद जी से आज हम जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने विजय हासिल की है बिहार के अंदर। उपचुनाव की यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की बदनावर से, तो वहां पर भी बीजेपी विजय हुई है। हालांकि बड़ौदा से कांग्रेस की सीट निकल चुकी है, कांग्रेस की विजय हुई है यहां पर हरियाणा में। तो आज हम जानना चाहेंगे भाई जावेद जी कैसे है। तो जावेद जी, सबसे पहले तो बीपीए न्यूज चैनल की तरफ से हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी ने विजय हासिल की है बिहार के अंदर, और उपचुनाव जो आपका बदनावर मध्य प्रदेश में हुआ है वहां पर भी विजय हासिल की है। और दूसरा, हम बीपीए न्यूज चैनल के पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस में दीपावली, धनतेरस, भैया दूज और गोवर्धन की मुबारकबाद देते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। तो सर, कैसा फीलिंग हो रहा है जो कल ये जो ऐतिहासिक जो जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये एक असत्य पे सत्य की जीत है जी, जो हमने किया है 15 साल से, लगातार जो बीजेपी सरकार आ रही चल रही है जी, लगातार जो विकास हो रहा है बिहार में जी, वो लोग उससे छुपा नहीं है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि ये असत्य पे सत्य की जीत है। तो देखिए, भाई ने राफेल जावेद जी ने बताया कि ये असत्य पर सत्य की जीत है, सत्य में जयते। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री जी है, वो उनका कहना है। इधर हरियाणा में यदि मैं कहूं खट्टर साहब की, तो इनका क्या मानना है कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अंतिम पंक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार का पूरा फायदा और पूरा विकास होना चाहिए। तो राफेल जी, और क्या तैयारी चल रही है, आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। मेन तैयारी मुद्दे चल रही है नो विधानसभा से। हाँ जी सर। तो 2024 की तैयारी आपकी? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। तो 1% आप अभी, चलो मैं मान लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है और मैं सेवादार कहूंगा आपको, पहला आपका मोटो क्या रहेगा यदि आप मालिक करे कि आप इलेक्शन जीत जाते हैं, आप एमएलए बन जाते हैं, तो आपका सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी नौ क्षेत्र के लिए? पहली प्राथमिकता मेरी एजुकेशन को लेकर होगी जी। मैं चाहूंगा सबसे पहले वहां यूनिवर्सिटी बने जी, क्योंकि एजुकेशन स्तर बढ़ेगा तो उससे जो मेवात में डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा जी जी। तो पहला कार्य मेरा रहेगा यूनिवर्सिटी को लेकर। हाँ जी, एजुकेशन को। और दूसरा, युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? युवाओं के लिए प्राथमिकता रहेगी मेरी, जैसे कि आजकल मेवात से बहुत सारे खिलाड़ी आपको बता रहे हैं क्रिकेटर जी, वो चाहे वहां तो क्रिकेट उसके क्या कहते हैं उसके मतलब खेल को लेके भी, स्पोर्ट्स को लेके भी मेरा मान रहे हैं, वहाँ एक स्टेडियम भी होना चाहिए जी, और वहाँ स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हम एक एकेडमी बनाएंगे, जो भी बच्चा वहाँ से होके निकलेगा, अच्छी तैयारी करके निकलेगा, उसको हम आगे भेज देंगे। दूसरा एक जावेद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपके मेवात से सलमान खान निकल के गए हैं जो सिंगर हुए, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया शायद केबीसी में प्रोग्राम में भी वो गए थे, आज उनका एक नाम है, एक रुतबा है पूरे इंडिया के अंदर, तो क्या स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में आप इस तरह की कोई म्यूजिकल ग्रुप का भी स्टाफ की भर्ती की रिकमेंडेशन करेंगे सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो विभूतियां होती है, जो टैलेंटेड पर्सन होता है, वो निखर के सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रदेश का नाम रोशन करे। और सर, आप भाजपा के कार्यकर्ता है, तो खट्टर सरकार ने अभी एक हरियाणा पुलिस के लिए युवाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने अभी कल परसों अनाउंसमेंट कर दिया है कि यहाँ की जो कंपनीज है, जो वेयर हाउस है, उसमें हरियाणा का ही 75% आरक्षण रहेगा, तो ये सुन के आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा सोचा है दुष्यंत जी ने भी जी, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ बेरोजगार है जी,
वो रोजगार उनको मिलेगा। बिल्कुल, तो हरियाणा के जो युवा है वो आगे बढ़ेंगे जी और विकास होगा। और सर कुछ आप अपनी तरफ से सरकार से कोई मांग रखना चाहते हैं किसी प्रकार की, प्रदेश के लिए या नुहू के लिए? मैं तो नुहू के लिए एक मांग रखना चाहता हूँ कि नुहू के लिए सबसे पहले तो जो पानी की कमी है ना वो दूर हो। जी, तो बेसिक समस्या है पानी और बिजली, मूलभूत सुविधा, मूलभूत सुविधा है वो सबसे पहले वहाँ के लिए पूर्ण रूप से हो जी, ताकि वहाँ पे पानी की जैसे किसान है उनको दिक्कत आती है जी, पानी जी, से वो दिक्कत ना रहे। और कुछ आप कहना चाहेंगे कुछ हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूंगा कि खट्टर सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है जी, और इसी तरह से चलते रहे तो हम आगे भी इलेक्शन ऐसे जीतेंगे जी, जी, और हरियाणा का पूर्ण विकास करेंगे। दिवाली जी, और मेरी तरफ से सभी मेवातवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं जी, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। तो देखिए ये थे भाई राफेल जावेद जी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इन्होंने बताया, अपनी इच्छा भी प्रकट की इन्होंने और पार्टी के बारे में भी बताया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपीए न्यूज, बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत।